सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ये बात कबूल कर ली है कि रिया को मालूम था कि शोविक ड्रग्स पेडलर बासित से सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। इसके अलावा रिया ने एनसीबी को यह भी बताया कि बासित उनके घर भी आता जाता था। रिया को इस बात की भी जानकारी थी कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जैद के पास गया था। रिया के कबूलनामे के बाद ये बात साफ हो जाती है कि रिया अपने भाई शोविक के जरिए सुशांत राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स और डिप्रेशन का कनेक्शन हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा है कि रिया ने ड्रग्स से रिश्ता कबूल कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ये बात कबूल कर ली है कि वो ड्रग्स को लेकर चैट करती थी। रिया ने ये भी बताया है कि शोविक ड्रग्स पैटर्न बासित से सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। इसके अलावा रिया ने एनसीबी को ये भी बताया कि बासित उनके घर भी आता जाता था। रिया को इस बात की भी जानकारी थी कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जैद के पास गया था। सूत्रों के मुताबिक रिया के कबूलनामे के बाद ये बात साफ हो गई है कि रिया अपने भाई शोविक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी के सामने ये भी कबूल किया है कि 15 मार्च को उनकी और शोविक के बीच ड्रग्स खरीदने को लेकर व्हाट्सएप चैट हुई थी। इसके अलावा रिया और ड्रग्स डीलरों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और इस केस के दूसरे आरोपियों के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की खराब तबीयत के बावजूद रिया उन तक ड्रग्स पहुंचने दे रही थी। रिया पर इल्जाम है कि उसने सुशांत की हालत के बारे में उसके परिवार को नहीं बताया। अब सीबीआई और एनसीबी इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है, क्या सुशांत तक ड्रग्स किसी साजिश के तहत पहुँचाए जा रहे थे। यूपी के बहराइच में छेड़खानी के आरोप में एक लड़की ने आरोपी की पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि गुस्से से तमतमाई वो लड़की चप्पल से आरोपी को पीटने लगी। इस दौरान आरोपी की शर्ट भी उतार दी गई थी। आरोपी को पीटने के साथ वो आसपास मौजूद लोगों से पुलिस को बुलाने की अपील भी करती रही। वहीं उसके भाई ने भी कई बार बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन लड़की का पारा इतना चढ़ चुका था कि वो खुद ही आरोपी पर टूट पड़ी। इस हंगामे को देख रहे लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए। लड़की ने काफी देर तक उसकी पिटाई की,